हेलो गाइस, आप कैमरा है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसलिए नहीं आ पा रहा है वीडियो। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रोज़ एक वीडियो दे दूँ, उस किताब को ख़त्म कर दूँ जिसकी उम्मीद आप लगा कर मुझसे बैठे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, ऐसा करना ही चाहते हैं, मतलब कितना जल्दी ख़त्म कर ले किताब को, है ना। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है। ठीक है, करते हैं। तो एक आदित्य नाम का लड़का है जिसने मुझे बताया था कि सर, आपने जो 15 तक वीडियो बना दिया है, चैप्टर 4 तक ख़त्म कर दिया है, उसमें थोड़ा सा पेज छूट गया है, थोड़े से टॉपिक छूट गए हैं। ठीक है, तो उसको एक दो वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो ये 6 से 12 पेज का है, मिसिंग पार्ट जो छूट गया है वो बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगले चैप्टर को बनाएंगे, और हर वीडियो का जो भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी रूल्स हम पढ़ेंगे, उसको क्या करेंगे हम, आपको अगले दिन एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे, और उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल हमारे इंग्लिश विद मनीष पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। खैर, यहाँ पे देखते हैं हम, ये खेलना लाभदायक है और गाड़ी चलाना आसान है। इसको हम दो तरीके से बनाते हैं, किताब में 3 तरीका दिया, लेकिन मैं आपको 4 तरीके बताऊँगा। ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ग्रामर है कुछ इसके, अगर हम टू इन्फिनेटिव या जिरंड का जिरंड को पढ़े तो 1 से 2 दिन लग जाएंगे इसको पढ़ने में, राइट। लेकिन हमको यहाँ पे जितना रिक्वायर है उतना हम पढ़ते हैं। अगर ग्रामर पढ़ना है बढ़िया से, इन्फिनेटिव पढ़ना है, जिरंड पढ़ना है, तो आप ग्रामर के क्लास जो प्रैक्टिकल इंग्लिश गाइड है KP ठाकुर का, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है, या तो आप टू इन्फिनेटिव यूज़ कर लीजिए, ठीक है, उस या जिरंड का यूज़ करके आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे अगर टू इन्फिनेटिव, जैसे खेलना आसान है तो आप लिखेंगे क्या, खेलना आसान है तो क्या लिखेंगे, टू, खेलना का होता है प्ले, यही हुआ हमारा इन्फिनेटिव, राइट, इन्फिनेट। अब क्या है आसान लाभदायक है, सॉरी, खेलना लाभदायक है, इज़ यूजफुल, सेंटेंस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेंटेंस को आप चाहते तो इस तरह से भी बना सकते थे कि प्लेइंग इज़ यूजफुल। बहुत आसान है, बस इतना समझिए कि टू इन्फिनेटिव जो होता है ना, उसको हम टू के साथ बेस फॉर्म को बना लगा देते हैं, ये हो गया हमारा टू इन्फिनेटिव। और जो हमारा जिरंड होता है, वो होता है जो वर्ब होता है उसमें हम ING ऐड करते हैं, वो हमारा जिरंड हो गया। और इन्हीं को वर्ब का नाउन फॉर्म कहते हैं, वर्ब का नाउन फॉर्म कहते हैं। जैसे अगर आप बोलते हैं कि सेव खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक है, या सेव सेहत के लिए अच्छे होते हैं, तो आप बनाएंगे एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ। या अगर वही बनाना हो खाने से, जैसे सेव खाना सेहत के लिए अच्छा है, तो आप क्या बनाएंगे, टू, या टू ईटिंग, टू ईट लिखेंगे या ईटिंग लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एप्पल, है ना, आर गुड फॉर हेल्थ, इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए एक और तरीका है जहाँ पे हम एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। जैसे अगर इसमें तो हमें पता नहीं चल रहा कि हम सब्जेक्ट क्या रखें, तो इस तरह से हम बनाते हैं कि इट इज़ यूज़फुल टू क्या करना, खेलना। अब ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, और ये उसके बाद टू इन्फिनेटिव लगाएंगे, ये भी सेंटेंस सही है, टू प्ले, ये भी सेंटेंस क्या है, इस तरीके से भी बना सकते हैं। और जैसे ये गाड़ी